जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत का प्रवास अतिशय क्षेत्र महावीर जी राजस्थान में चल रहा था। तो बात अक्षय तृतीया के दिन की है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आचार्य भगवंत की केशलोंच की पारणा थी। तो दोस्तों, जिस दिन केशलोंच की जाती है उस दिन उपवास होता है। तो उसके अगले दिन जब आहार पर निकला जाता है तो उसे पारणा कहते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आचार्य भगवंत की पारणा थी सो संघस्थ ब्रह्मचारी श्री शांतिनाथ जी, जो कि आचार्य भगवंत के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई एवं वर्तमान में उन्हीं के प्रथम मुनि शिष्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं, सो उन्होंने सोचा कि पारणा का लाभ लेने एवं आचार्य भगवंत के आहार अच्छे से कराने के लिए वे गुरुदेव के साथ आहारचर्या में गए। भावना तो यह थी कि निरंतराय आहार करवाऊंगा, परंतु कर्मों के कारण सब उल्टा ही हो गया। और दोस्तों, ब्रह्मचारी भैया जी के हाथ से ही शुरुआत में ही एक लंबा काला बाल गुरुदेव की अंजलि में आ गया और आचार्य भगवंत मुस्कुराए और अंतराय मान का यह देखकर ब्रह्मचारी जी अत्यंत दुखी हो गए। और दोस्तों, होते भी क्यों ना, जिसके चौके में वर्तमान के वर्धमान इतनी मुश्किल से पधारे और उन्हें अंतराय आ जाए और वे बिना कुछ ग्रहण करे अंतराय मानकर चौके से वापस चले जाएं, तो उस परिवार का जो दुख होगा वो तो हम समझ ही सकते हैं। परंतु दोस्तों, उस दिन ब्रह्मचारी जी ने भी बिना आहार लिए भी उस चौके से वापस आ जाते हैं। अब जब आचार्य भगवंत को यह बात पता चली कि ब्रह्मचारी जी दुखी होकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचारी जी को समझाया कि आप 14-15 वर्ष के इतनी कम उम्र के हैं और राजस्थान की इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुदेव के समझाने पर मुनिश्री तो चले गए भोजन ग्रहण करने के लिए, परंतु गुरुदेव ने यह सोचा कि इससे अच्छा कर्मों के निर्जरा का साधन नहीं मिलेगा और उन्होंने स्वयं निर्जरा का साधन आया हुआ जानकर प्रसन्न भाव से अपने आवश्यकों में गुरुदेव मग्न हो गए। तो दोस्तों, धन्य है आचार्य भगवंत, केशलोंच करने से शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह खिंच जाता है। जिनके बाल घने हो और मजबूत हो फिर उनका तो क्या कहना। और दोस्तों, आपको बता दें तो आचार्य भगवंत के बाल अत्यंत काले घने एवं मजबूत थे और उस पर राजस्थान की गर्मी के केशलुंज की पारणा में अंतर आए। सचमुच निराली है कर्मों की लीला। परंतु इसके बाद भी आचार्य भगवंत का इतने शांत स्वभाव से मुस्कुराकर इसे भी अपनी कर्मों की निर्जरा का साधन मानते हुए प्रसन्न रहना, यह तो उससे भी ज्यादा अद्भुत है। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेन्द्र।